हेलो गाइस, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। तो भाई, एक भाई ने मुझे बहुत बोला कि भाई इसके स्टिकर्स, इसके ग्राफिक्स के बारे में वीडियो बनाओ। तो भाई वही सब वीडियो मैं आज बताऊंगा, और ये लगवाने ठीक है या नहीं है वो सब भी बताऊंगा, और कैसे कैसे आप स्टिकर लगवा सकते हैं वो भी मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दूँगा। तो पहले मैं इसके स्टिकर्स दिखा देता हूँ आपको। तो ये भाई, मैंने इसके स्टिकर्स आपको दिखा दिए। अब आप बताओ ये स्टिकर्स कैसे लग रहे हैं और इन्हें कितने दिन हो गए होंगे। मैं तो आपको वीडियो में बता ही दूंगा कितने दिन हो गए कितने ना, और आप भी कमेंट करके बताओ। तो देख सकते हो, एक तो ये है इसका, यहाँ से यहाँ तक एक स्टिकर तो ये यहाँ तक आ रहा है, फिर दूसरा यहाँ से स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, फिर तीसरा ये हैं छोटे छोटे से हैं दो, और इसके बाद ये हो जाता है, ये हमारे यहाँ पे ख़त्म होता है आगे। अब मैं एक बार पीछे और दिखा देता हूँ। तो भाई आप कमेंट करके बताओ ये इन्हें कितने दिन हो गए होंगे, फिर मैं बताऊँगा आपको सब कुछ, और ये लगवाने ठीक है या नहीं वो भी दिखाऊँगा। तो ये देख सकते हो आप, ये पूरे में लगे हुए हैं और कहीं से कैसा भी कोई पेड़ापन नहीं है। नहीं तो बहुत से स्टिकर होते हैं भाई जो बाहर से लगवा लेते हैं, वो येलो येलो से होते हैं, और उनका ज़्यादा नुकसान भी मैं बताऊंगा क्या है। तो भाई मैं बताता हूँ, जो बाहर से स्टिकर लगवाते हैं हम, वो मिल जाएंगे भाई आपको, मिल जाएंगे 3500-4000 के करीब मिल जाएंगे। पर आप देख सकते हो बिल्कुल वाइट है, अभी तक इन्हें 9 साल हो गए, कैसी भी किसी भी स्टिकर में कोई दिक्कत नहीं है। और अगर इस पर स्क्रैच वगैरह भी लग जाते हैं तो देख लो, इतना पता नहीं पड़ती, यहाँ से देखो आप बिल्कुल पास आने के बाद पता लगती है। और पीछे के दिखा देता हूँ मैं, पीछे के कैसे हैं तो देख लो भाई, ये जैसे हमारे कुछ रखते हैं ऐसे यहाँ से लेते हैं, कुछ लग जाता है जब ये उस चीज़ से हुए हैं, और ये रे जैसे, नहीं तो इनमें कोई दिक्कत नहीं। अगर आप दूर से देखोगे तो पता नहीं पड़ेगी इनमें स्क्रैचेज वगैरह हैं या कुछ नहीं। पास में देख लो जैसे इस पर मिट्टी चिपक रही है, दूर से कुछ नहीं पता लग रहा, और पास आके देखोगे तो ये देखो दिख रहा है सब कुछ। तो भाई मैं बता दूं, अगर बाहर से लगवाओगे तो वो बेकार है बिल्कुल। बाहर से आप चिपकवा तो लेते हो उनको, वो ऐसे पहले पहले तो बढ़िया लगते हैं, फिर 2-3 महीने बाद जैसे भी हम अपनी गाड़ी को धूप में खड़ी करते हैं तो उनका क्या होता है, वो जो होते हैं हमारे स्टिकर बाहर के, वो पीले पड़ने लगते हैं। तो उनके बाद क्या होता है, उनसे गाड़ी बहुत बुरी लगती है। अगर उन्हें कहीं छुटवाओ तो भाई वो पेंटों को ख़राब कर देते हैं, सारे को पेंट पे अलग अलग से निशान से बन जाते हैं, जैसे उचालते हैं कहीं से पेंट उचल गया, कहीं से अलग रंग आ गया, तो वो बेकार चीज़ है। बाहर से लगवानी तो बहुत बकवास है। और भाई जैसे आप दुकान पे हो, अब चल रहे हैं स्नैक्स वगैरह के, स्नैक घूम रहा है, वो लगवा रही है पब्लिक रेड कलर का स्टिकर, बेकार है वो, जैसी कंपनी गाड़ी देती है बहुत बढ़िया चीज़ है, कुछ अलग से लगवाओगे तो भाई वो नुकसान ही देती है। अब बाई चांस मैं इसमें कुछ टेप भी लगाता हूँ, यहाँ से छुटाऊँगा वो हो जाए, रख ली मैंने 2-3 महीने परमानेंट टेप, और फिर उसे हटाता हूँ तो वो कहीं ना कहीं से मेरे पेंट को ही ख़राब करेगी, वो गाड़ी में कोई फ़ायदा नहीं करेगी। अब वो चीज़ भी जब चलती है जब तक ही बढ़िया लगती है, जैसे स्टिकर का शौक आया है चलेगा 10-15 दिन, फिर ऐसा लगेगा अब ये बुरा लग रहा है इसे उतारूँ, तो उतारने के साथ पेंट ख़राब हो जाता है। तो कहीं ना कहीं मुझे तो वो चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कंपनी जैसे गाड़ी सिंपल टाइप देती है और जो लगा के देती है बहुत अच्छी चीज़ देती है, क्योंकि भाई नो बताओ आप देखना, इससे नीचे SLE है, उनने बहुत ने लगवाए थे, उनमें बहुत में देखा था मैंने, उनका स्टिकर बिल्कुल येलो पड़ जाता है और बहुत बुरा लगता है, और जब उसे छुटाते हैं तो पेंट को ख़राब कर जाता है। तो भाई ये चीज़ मैंने दिखा दी, अगर इसे छुटाने की तो पहले ज़रूरत ही नहीं है, जब 9 साल हो गए, 9 साल में अभी कोई दिक्कत नहीं आई इनमें तो आगे कहाँ आएगी। तो ठीक है भाई, ये चीज़ मैंने आपको बता दी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और मैं दिखा दूंगा कैसे कैसे स्टिकर आप लगवा सकते हो, कैसे कैसे अपनी गाड़ी को ख़राब करवा सकते हो। तो भाई मैं बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करूंगा कि आप वो स्टिकर लगवाओ, ये मैंने बता दिया। तो ठीक है भाई, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।